स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 13 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 13.4 लेवल सेकंड क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देखिए नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उनको हमको आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब ये पोलर फॉर्म है तो पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया था हमारा, सेकेंड पार्ट से लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट सेकेंड टेन अल्फा माइनस आयोटा। देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसको हमको पोलर फॉर्म या आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको जेड के इक्वल सपोज कर लेता हूँ। डेट जेड इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस आयोटा। अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट आपका टेन अल्फा और इमेजिनरी पार्ट माइनस वन है। तो अब ये अल्फा की वैल्यू हमको पता नहीं है कि अल्फा कितने डिग्री का होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि टेन अल्फा का जो पीरियड्स होता है पाई उसका यूज करेंगे। देखिए सिंस टेन अल्फा इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड पाई। देखिए टेन अल्फा जो होता है ये एक पीरियोडिक फंक्शन है टेन अल्फा या टेन एक्स, और इसका पीरियड जो होता है वो पाई होता है। अब पीरियड पाई होने का मतलब क्या है कि ओरिजिन ओ से पाई तक की जितनी डिस्टेंस रहेगी उसके ऊपर टेन का जो ग्राफ बनेगा वही ग्राफ आपका पाई के बाद में रिपीट होके बनेगा वैसा का वैसा, उसको कहते हैं उसका पीरियड। तो देयरफॉर अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0, पाई। इस इंटरवल के अंदर अल्फा की वैल्यू लाई करेंगे। तो आप देखिए ये क्लोज्ड इंटरवल है, जीरो है इसके अंदर और पाई है, जीरो से बड़ी वैल्यू और पाई से छोटी वैल्यू, तो जीरो और पाई के बीच में एक वैल्यू 90 भी आएगी। और जब अपन अल्फा के प्लेस पे यहाँ पे 90 रखेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि टेन 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्लोज्ड इंटरवल 0, पाई में से 90 या पाई बाई 2 को हटाना पड़ेगा या रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं इसको लिखता हूँ माइनस 90। तो अब अल्फा की वैल्यू इस इंटरवल में रहेगी, उसमें जो 90 आएगा वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 90 के ऊपर 10 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती। तो अब अल्फा की वैल्यू इस इंटरवल के अंदर लाई करेगी 0 से पाई, उसमें से पाई बाई 2 हट जाएगा। दैट इज इसको क्या लिख सकते हैं हम कि अल्फा बिलोंग्स टू सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0, पाई बाई 2। देखो इसमें से मैंने पाई बाई 2 को हटा दिया, यहां से इसमें जीरो इंक्लूड है लेकिन पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं है, जीरो से बड़ी और पाई बाई 2 से छोटी वैल्यू, यहां से पाई बाई 2 हट गया आपका। यूनियन सेमी ओपन इंटरवल पाई बाई 2 टू पाई। देखो ये सेमी ओपन इंटरवल, इसमें 90 इंक्लूड नहीं है और 180 इंक्लूड है, तो टोटल जो पाई की वैल्यू है वो जीरो से पाई तक ही है, लेकिन इसमें से हमने ये 90 को हटा दिया, ये 90 हटाए थे उसको हम ऐसा भी लिख सकते। तब अपने पास में दो इंटरवल आ गए, सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0, पाई बाई 2 और सेमी ओपन इंटरवल पाई बाई 2, पाई। तो ये दोनों के अंदर दो केसेस लेके अपन ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको पोलर फॉर्म में या आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में एक्सप्रेस करेंगे। तो अब पोलर फॉर्म के लिए मॉडुलस और आर्गुमेंट की जरूरत पड़ेगी, और मॉडुलस और आर्गुमेंट के लिए हमको एक्स और वाई की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो मैं जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई लिख लेता हूँ। देयरफॉर एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस आयोटा। अब देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है, बीच में इक्वालिटी का साइन है, तो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल पार्ट के इक्वल रियल पार्ट रख देते हैं और इमेजनरी पार्ट के इक्वल इमेजनरी पार्ट रख देते हैं। तो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल पार्ट के इक्वल रियल पार्ट हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू रियल पार्ट है टेन अल्फा एंड इमेजिनरी पार्ट वाई इज इक्वल टू आयोटा का कोफिशिएंट -1 तो -1। अब अपने पास एक्स की वैल्यू भी आ गई और वाई की वैल्यू भी आ गई, तो अब हम इसका मॉडुलस निकालते हैं और आर्गुमेंट निकालें। सिंस मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट
एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर विच एम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ जेड को आर लिख सकते हैं इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू टेन अल्फा है तो एक्स स्क्वेयर टेन स्क्वेयर अल्फा हो जाएगा, टेन स्क्वेयर अल्फा प्लस वाई की वैल्यू माइनस वन है तो माइनस वन का स्क्वेयर करेंगे तो प्लस वन। ये आ गया आपका टेन स्क्वेयर अल्फा प्लस वन, ये एक आइडेंटिटी बन गई, टेन स्क्वेयर थीटा प्लस वन इजिकल टू सेक स्क्वेयर थीटा होता है तो टेन स्क्वेयर अल्फा प्लस वन को हम सेक स्क्वेयर अल्फा लिख लेते हैं, विच एम्प्लाइज आर इजिकल टू अंडर रूट सेक स्क्वेयर अल्फा। अब देखिए इसको जब अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो सेक अल्फा आएगा और सेक अल्फा की वैल्यू ये जो इंटरवल्स है जीरो से पाई तक के उसमें से 90 हट गया, या जीरो से पाई के बीच में सेक की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, तो यहाँ से हमको सेक की दोनों वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो मैं उसको अंडर रूट से हटा के मॉडुलस के अंदर लिख देता हूँ, विच एम्प्लाइज आर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सेक अल्फा। देखिए अगर सेक अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो मॉड के बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और सेक अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगी तो मॉड से बाहर आके माइनस सेक अल्फा हो जाएगा। तो अब अपने पास में ये दो केसेस हैं, एक केस ये वाला और एक केस ये वाला, दोनों को वन बाय वन लेके सॉल्व करो। केस फर्स्ट, व्हेन अल्फा बिलोंग्स टू सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0, π/2, सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0, π/2, इसमें 0 इंक्लूडेड है और पाई बाई टू इंक्लूडेड नहीं है, 0 और 0 से बड़ी वैल्यू और 90 से छोटी, दैट इज अल्फा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन पाई बाई टू, अल्फा की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ी और 90 से छोटी। अब इसका मॉडुलस, मॉडुलस आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सेक अल्फा है। अब यहाँ देखो अगर अपन सेक की वैल्यू इस इंटरवल में से रखें, अगर अपन 0 रख दें तो सेक 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये मॉड के बाहर आके प्लस साइन दे देगा, 0 से बड़ी और 90 छोटी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू होगी सेक की, तो हम मॉड के बाहर निकाल के इसको सेक अल्फा लिख सकते हैं। अंदर की वैल्यू 0 हो या 0 से ग्रेटर हो तो मॉड के बाहर आके प्लस साइन हो जाता है, और अंदर की वैल्यू यदि लेस देन 0 हो तो मॉड के बाहर आके माइनस साइन ले लेते हैं। तो आर तो आ गया अपना सेक अल्फा। अब इसका आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, एंड आर्ग्यूमेंट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, रखो इसके अंदर वैल्यू विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई की वैल्यू माइनस वन और एक्स की वैल्यू टेन अल्फा, वाई की वैल्यू माइनस वन और एक्स की वैल्यू है टेन अल्फा। अब देखो यहाँ से 0 से 90 के बीच में 0 और 0 से बड़ी और 90 से छोटी मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर टेन अल्फा पॉजिटिव होता है तो ये प्लस टेन अल्फा ही रहेगा, इस टेन को अगर अपन ऊपर ले जाएंगे तो कॉट हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस कॉट अल्फा आ गया। अब देखिए ये जो अल्फा है वो इस इंटरवल के अंदर है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन पाई बाई टू है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ पे माइनस का साइन लगाती है, कॉट की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो हम इस माइनस साइन को ड्रॉप कर देते हैं, विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स कॉट अल्फा, कॉट अल्फा हमेशा पॉजिटिव रहेगा इस इंटरवल में। रीजन लिख देते हैं इसका, सिंस अल्फा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन पाई बाई टू, इस इंटरवल में कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी इसलिए मैंने माइनस साइन को ड्रॉप कर दिया या छोड़ दिया। अब देखिए इधर टेन इनवर्स और यहाँ कॉट है, ये कॉट को टेन में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉट अल्फा को 90 माइनस कॉट अल्फा को टेन 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं हम, विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन पाई बाई टू माइनस अल्फा, पाई बाई टू माइनस अल्फा फर्स्ट क्वार में फर्स्ट में ऑल प्लस थी प्लस हो गया और 90 में चेंज कर दो तो 10 का कॉट अल्फा आ जाएगा, तो कॉट अल्फा को 10 पाई बाई टू माइनस अल्फा लिख सकते। अब देखिए अब ये 10 इनवर्स से 10 को एडजस्ट करके अपन डायरेक्ट ये वाला एंगल नहीं लिखते, इस एंगल को लिखने के पहले अपन क्या करते हैं कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं और देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, फिर अपने पास में आर्ग्यूमेंट की
प्रिंसिपल वैल्यू है माइनस 180 से बड़ी और 180 से छोटी है उसके इक्वल, तो जिस क्वाड्रेंट के अंदर अपना कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन ले लेंगे इस एंगल के लिए। तो पहले मैं गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ आपको। ये छोटा सा एक कॉम्प्लेक्स प्लेन बना लो। एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू है टेन अल्फा, तो और अल्फा आपका जीरो से नाइन्टी के बीच में मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो इधर आएगा एक्स, और वाई की वैल्यू माइनस वन है तो माइनस वन आपका नीचे आ जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका यहाँ होगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ यहाँ, तो इसका आर्गुमेंट ये वाला होगा। अब आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू माइनस 180 से बड़ी, मतलब इस डायरेक्शन में आएंगे तो ये माइनस 180 से बड़ी और 180 से छोटी और उससे लेस, तो हमको यहाँ से तो अपन इक्वल टू 180 तक आ सकते हैं, लेस देन आर इक्वल टू 180 में ये पूरा इतना। अब इससे आगे नहीं बढ़ सकते अपन, ऐसे नहीं आ सकते यार, अपने को इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना पड़ेगा। तो इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल जीरो, जीरो के बाद यहाँ पे माइनस 90, ये माइनस 90 और यहाँ आके माइनस 180 हो गया। तो वैल्यू कैसी रहती? माइनस 180 से बड़ी मतलब इधर वैल्यू, और प्लस 180 के इक्वली उससे छोटी वैल्यू इधर। तो अपन ने यहाँ से ऐसे चले अपन, यहाँ क्वाड्रेंट, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो आर्गुमेंट होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि एंगल क्या होगा? जीरो और माइनस 90 के बीच में कोई नेगेटिव एंगल होगा, तो ये जो एंगल होगा ये नेगेटिव एंगल होना चाहिए, तो हम ये टेन इनवर्स से टेन को एडजस्ट कर देते और इस एंगल के सामने माइनस साइन ले लेते, तो विच इज इक्वल टू ये माइनस पाई बाई टू माइनस अल्फा। अब देखिए ये माइनस का साइन हमने क्यों लगाया, उसका रीजन लिख देते हैं। उसका रीजन सेंस जेड लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, जेड जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आर्गुमेंट कैसा है आपका? नेगेटिव, तो इसलिए माइनस आया यहाँ। अब इस माइनस के अंदर इंटू कर सकते हैं, तो विच इज इक्वल टू ये माइनस अल्फा प्लस हो जाएगा और प्लस 90 आपका माइनस 90 हो गया। तो ये अपना आर्गुमेंट आ गया अल्फा माइनस पाई बाई टू। अब आर्गुमेंट भी आ गया अपने पास में और मॉडुलस भी आ गया। अब हम इसका पोलर फॉर्म लिख सकते हैं, फ्रेंड्स पोलर फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसी में एक्सप्रेस करना है अपने को, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में इसकी वैल्यू रख देते हैं। एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू यही वाली रख दो, जेड वाली टेन अल्फा माइनस आयोटा, टेन अल्फा माइनस आयोटा इज इक्वल टू आर की वैल्यू है सेक अल्फा एन टू कॉस थीटा के प्लेस पे आर्गुमेंट है अल्फा माइनस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन थीटा के प्लेस पे आर्गुमेंट है अल्फा माइनस पाई बाई टू, और यहाँ पर कंडीशन है अल्फा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो एंड लेस देन पाई बाई टू। इस इंटरवल के अंदर अल्फा लाई कर रहा है, तो पोलर फॉर्म आ गया अपना टेन अल्फा माइनस आयोटा इज इक्वल टू सेक अल्फा कॉस अल्फा माइनस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन अल्फा माइनस पाई बाई टू, वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो लेस देन पाई बाई टू। तो ये फर्स्ट केस के लिए हुआ। अब सेकंड केस के लिए भी अपने को लेना पड़ेगा। सेकंड केस क्या है? सेमी ओपन इंटरवल पाई बाई टू कॉमा पाई, मतलब इसमें पाई बाई टू इंक्लूड नहीं है, पाई बाई टू से बड़ी वैल्यू और ये पाई इंक्लूड है। तो केस सेकंड के लिए ले लेते हैं। केस सेकंड, व्हेन अल्फा बिलोंग्स टू सेमी ओपन इंटरवल पाई बाई टू कॉमा पाई, इसमें पाई बाई टू से बड़ी वैल्यू और 180 से छोटी या उसके इक्वल वैल्यू ले सकते हैं, दैट इज अल्फा इज ग्रेटर देन पाई बाई टू एंड लेस देन आर इक्वल टू पाई। तो अल्फा की वैल्यू इस इंटरवल में लाई करेगी 90 से बड़ी और 180 से छोटी या उससे इक्वल। अपना मॉडुलस क्या था? आर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सेक अल्फा है। अब देखिए अगर अपन अल्फा की वैल्यू इंटरवल से रखें 90 से बड़ी और 180 से छोटी, सेकंड क्वाड्रेंट में रखें या 180 रखें, तो
सेक 180 की वैल्यू माइनस वन, कॉस 180 की माइनस वन होती तो सेक 180 की भी माइनस वन हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। और 90 से बड़ी और 180 छोटी सेकंड क्वाड्रेंट में भी सेक की वैल्यू नेगेटिव होती है, मतलब अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो रही है तो इसको मॉड के बाहर निकाल के, अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो रही है तो इसको मॉड के बाहर निकाल के माइनस सेक अल्फा ले सकते हैं। तो मॉडुलस आ गया अपना माइनस सेक अल्फा। एंड आर्गुमेंट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, वाई की वैल्यू माइनस वन है और एक्स की वैल्यू है टेन अल्फा। अब देखो अपना जो अल्फा है वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपको मालूम है टेन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहाँ से टेन की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होना चाहिए, हम यहाँ पे माइनस साइन दे देते हैं, विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस वन अपॉन ये माइनस टेन अल्फा हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेन की वैल्यू नेगेटिव होती तो इसलिए टेन की वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, मैंने माइनस लगा दिया। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, टेन इनवर्स माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन टेन अल्फा को हम ऊपर ले जाके कॉट अल्फा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ टेन इनवर्स और ये कॉट है तो ये कॉट को 90 माइनस थीटा से टेन में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स को लिख सकते हैं अपन टेन पाई बाई टू माइनस अल्फा। अब देखिए ये 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल प्लस थी प्लस होगा, 90 वाला चेंज करेंगे तो कॉट अल्फा, तो ऐसा आ जाएगा। अब अपना जो अल्फा है वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा है उसके इक्वल, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इस एंगल को हम सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में इसको क्या लिख सकते हैं अपन, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा होता है, थीटा के प्लस पे इतना पूरा है, इसको हम टेन इनवर्स। अब देखिए जब अपन इसको 180 माइनस थीटा लिखेंगे तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है तो माइनस सामने आएगा, अब यहाँ तो सामने माइनस है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ माइनस लगा देते हैं, ये टेन ये पाई माइनस पाई बाई टू माइनस अल्फा ऐसा लिखना पड़ेगा इसको। अब देखिए ये थीटा है पूरा और ये 180 माइनस थीटा लिखा है मैंने, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में टेन नेगेटिव होता है तो माइनस आएगा, और 180 में नो चेंज तो माइनस टेन पाई बाई टू माइनस अल्फा ये आएगा, और मैंने सामने यहाँ माइनस लगा दिया तो वो जो माइनस यहाँ से आएगा 180 माइनस थीटा वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस होके अपने को ये वाली वैल्यू दे देगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन था। अपन ने 180 माइनस थीटा लिखे तो माइनस आएगा, अपना तो माइनस है ही नहीं यहाँ पे प्लस है, तो इस माइनस को प्लस करने के मैंने एक माइनस यहाँ लगा। अब आप इस पूरे को सॉल्व कर लो तो टेन पाई बाई टू माइनस अल्फा ही आए, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में टेन माइनस होता है माइनस आ गया, 180 में नो चेंज तो माइनस टेन पाई बाई टू माइनस अल्फा आया, और ये सामने माइनस है दोनों माइनस माइनस का इंटू होकर प्लस हो जाएगा, तो टेन पाई बाई टू माइनस अल्फा आ जाएगा। और अब इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो टेन इनवर्स ये माइनस टेन, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट खोल देते माइनस साइन का इंटू करते तो पाई माइनस पाई बाई 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 बचेगा और ये माइनस अल्फा का प्लस अल्फा हो जाएगा, ये हो गया पाई बाई टू प्लस का हो जाएगा, 180 में से 90 माइनस कर दिए और माइनस अल्फा का प्लस अल्फा। अब अपने को ये टेन इनवर्स को टेन से एडजस्ट करना पड़ता तो ये माइनस साइन को माइनस टेन थीटा से यहाँ पे अंदर लिख दो, टेन इनवर्स टेन ये माइनस पाई बाई टू प्लस अल्फा ऐसा हो गया। देखो ये टेन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस का साइन सामने आएगा तो ये माइनस सामने आ जाएगा, अब अपन ये माइनस का अंदर इंटू कर सकते हैं, टेन इनवर्स टेन ये माइनस का अंदर इंटू कर लो माइनस 90 और माइनस अल्फा, ये ऐसा हो गया। अब देखिए अब ये टेन इनवर्स से टेन को एडजस्ट करने के पहले अपने को ये जो एंगल है ये एंगल के सामने प्लस का साइन आएगा माइनस का साइन आएगा, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, वहां से देखते हैं कि अपना गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आर्गुमेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है 0 से लेकर 180 तक, और 0 से लेकर माइनस 180 तक थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू नेगेटिव होती है। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये मान लीजिए अपना कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू tan अल्फा
ना, टेन अल्फा है। अब अल्फा जो है आपका 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट 10 की वैल्यू नेगेटिव होती तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव इधर आएगी और वाई की वैल्यू माइनस वन है तो माइनस वन नीचे आ जाएगी, तो अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आ रहा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अपन आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू के लिए 0 से लेके 180 तक यहाँ तक जा सकते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, और 0 से लेके माइनस 180 तक यहाँ तक आ सकते हैं। तो इधर तो अपन आ नहीं सकते, अपने को इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ऐसा। तो ये 0, ये माइनस 90 और ये माइनस 180। तो अब अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये माइनस 90 और माइनस 180 के बीच है, माइनस 180 से बड़ा है और माइनस 90 से छोटा यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर जो आर्गुमेंट आ रहा है वो कैसा है, नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो अपना ये जो एंगल होगा ये अपने को इसके सामने माइनस लेना पड़ेगा। तो मैं ये 10 से 10 इनवर्स को एडजस्ट कर देता हूँ और इस एंगल के सामने माइनस दे, तो ये क्या हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 10 इनवर्स से 10 एडजस्ट हो गया और ये सामने माइनस ले लो। क्यों? क्योंकि अपना कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ, और थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट नेगेटिव है, ये माइनस माइनस पाई बाई टू माइनस अल्फा माइनस साइन के अंदर इंटू कर लेते तो पाई बाई टू प्लस का हो जाएगा और माइनस अल्फा भी प्लस का हो जाएगा, पाई बाई टू प्लस अल्फा, ये अपना आर्गुमेंट आ गया। ये माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर था। मैं लिख देता हूँ, मैं सेंस जेड lies on third quadrant, z जो है वो third quadrant के अंदर आ रहा है, इसलिए हमने ये वाला माइनस, क्योंकि यहाँ पर आपका argument negative होता है, argument यहाँ negative होता है और यहाँ negative होता है, यहाँ positive होता है और यहाँ positive होता है, ठीक है। तो अब argument भी आ गया और modulus भी आ गया, अब इसका हम इसको हम polar form में लिखते हैं, friends polar form of x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। रखो वैल्यू x प्लस आयोटा वाई के प्लेस पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर था अपना वही वाला रख देंगे, z इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस आयोटा, ये टेन अल्फा माइनस आयोटा इज इक्वल टू आर है आपका माइनस सेक अल्फा कॉस थीटा की वैल्यू पाई बाई टू प्लस अल्फा प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू पाई बाई टू प्लस अल्फा, और यहाँ पर कंडीशन है अल्फा इज ग्रेटर देन पाई बाई टू एंड लेस देन आर इक्वल टू पाई, अल्फा की वैल्यू 90 से बड़ी है और 180 से छोटी या उसके इक्वल है। ये आपका पोलर फॉर्म हो गया सेकंड केस के लिए, टेन अल्फा माइनस आयोटा इज इक्वल टू माइनस एक अल्फा कॉस पाई बाई टू प्लस अल्फा प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू प्लस अल्फा, वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन पाई बाई टू एंड लेस देन पाई। तो ऐसे आपको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन, हमने दोनों केसेस में इसको एक्सप्रेस किए, ठीक है। तो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस थर्ड क्वेश्चन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके बाय।